हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ द डर्मा को की 10% नायसनामाइड फेस सीरम को लेके। इन डेप्थ बात करेंगे हम इस वीडियो में इस प्रोडक्ट को लेके। बट मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना, ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, मेरी इंस्टा आईडी है simplypretty2018। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। सो आज हम बात करने वाले हैं 10% नायसनामाइड फेस सीरम बाय द ब्रांड डर्मा को। एंड यू गाइस नो दिस प्रोडक्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइप प्रोडक्ट है मार्केट में। एंड अभी तो मार्केट में यू नो हाइलुरोनिक एसिड, नायसनामाइड एंड विटामिन सी की प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर दो ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाइप है एंड हर एक ब्रांड वो कर रही है। सो अगर हम फर्स्ट बात करें इस पैकेजिंग को लेके, तो कुछ इस तरीके की ऐसी यू नो ग्लास बॉटल में आती है, फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल में आती है विथ वाइट कैप, एंड इसमें पर्पल एंड वाइट कलर की लेबल है। एंड अगर मैं आउटर बॉक्स की बात करूँ, तो आउटर बॉक्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो कुछ इस तरीके से देखने में है, पर्पल एंड वाइट कलर में है। एंड द डर्मा को की जो पैकेजिंग होती है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल एंड एस्थेटिक होती है। एंड ये पर्टिकुलर ब्रांड की जो आउटर पैकेजिंग होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होती है। यस, अगर आप बिगिनर्स हो या फिर प्रो हो, आप जानते नहीं हो कि ये प्रोडक्ट आप कैसे यूज़ करो, क्या क्या बेनिफिट्स आपको इससे मिल सकती हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में मेंशन है। हर एक साइट में इन्फॉर्मेशन भर के है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, तो मेरे पास जो साइज़ है 10 ml, इसकी जो प्राइस है वो है 249 rupees। अगर आप फुल साइज़ लेते हो जिसकी यू नो क्वांटिटी है 30 ml, उसकी प्राइस है 599 rupees। एंड वो आपको ईजिली नायका, पर्पल, अमेजोन में मिल जाएंगी एंड अच्छी खासी डिस्काउंट में भी मिल जाएगी। तो ये ब्रांड की जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल ही मैं कह सकती हूँ, सुपर अफोर्डेबल नहीं बट मिड रेंज अफोर्डेबल काइंड ऑफ मैं कह सकती हूँ ईजिली। मतलब मार्केट में दूसरी जो यू नो ऐसे सीरम्स मिलती हैं ना दूसरी ब्रांड की, उससे तो कंपैरेटिवली मैं अफोर्डेबल ही कह सकती हूँ इसे। स्पेसिफिकली मैं बता दूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेसिफिकली है फॉर एक्ने मार्क्स। एंड ये आप डे टाइम, नाइट टाइम में किसी भी समय इजीली यूज़ कर सकते हो। एंड द डर्मडॉक की हर एक प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, DYE फ्री एंड ऑल्सो मिनरल ऑयल फ्री होती है, जो कि हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी सब कुछ यहाँ पे मेंशन है आउटर बॉक्स में। एंड इनर जो पैकेजिंग है, एक्चुअल प्रोडक्ट है, उसमें भी आपको मिल जाएगी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, प्राइस क्या है, सब कुछ डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँ, तो इसमें है प्योरीफाइड वाटर, नायसनामाइड, यू नो ग्लिसरिन, जिंक, ग्लाइकोल एंड सोडियम एंड और भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, सिट्रिक एसिड एंड एक्सेट्रा अच्छे इंग्रेडिएंट्स है इसमें। एंड ऑब्वियसली इसमें फ्रेग्रेंस है, वो बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड माइल्ड है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप फेस में अप्लाई करने की कुछ देर बाद ऑब्वियसली वो फेड हो जाती है। एंड अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ, तो ये दिखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है एंड टेक्सचर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रनी है एंड बहुत ही जल्द हमारे स्किन में ही ऑब्जर्व हो जाती है। एंड लिटिल बिट ग्लो भी प्रोवाइड करती है, मतलब विद इन काइंड ऑफ जो ग्लो होती है ना, वो भी प्रोवाइड करती है। एंड ऑल्सो ये हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन भी लिटिल बिट प्रोवाइड करती है हमारी स्किन में। काफ़ी ज़्यादा वाटर लाइक टेक्सचर है बट बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करती है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेट फील होती है आपको इसे अप्लाई करने के बाद। एंड ये जो सीरम है, ये आप डे टाइम या फिर नाइट टाइम किसी भी समय यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इसके ऊपर एक हाइड्रेटिंग काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना, ताकि इसकी जो सीरम है वो आपकी स्किन में लॉक हो जाए एंड अच्छे तरीके से वर्क करे। एंड अगर मैं बात करूँ मेरी एक्सपीरियंस की, तो यू गाइस नो दैट मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल भी एक्ने प्रोन नहीं है। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, मतलब सुपर ड्राई है एंड ऑल्सो सेंसिटिव भी है। अगर मैं रेगुलर बेसिस में मेकअप यूज़ करती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट टेस्ट आउट करती हूँ ना, तो मेरी स्किन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेडनेस एंड ब्रेकआउट्स आ जाती हैं एंड वो दिखने में भी ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती है। एंड काफ़ी ज़्यादा जो स्पॉट है वो आ जाती है एंड ऑल्सो ड्राई पैचेस भी हो जाती है मेरी स्किन में। जब मेरी स्किन की हालत कुछ इस तरीके की थी, कुछ ही दिनों पहले मैं बात कर रही हूँ मेरी पीरियड्स की पहले, तो तब मैंने इसे यूज़ की थी रेगुलर 6 days तक यूज़ की थी। एंड मैंने सिर्फ नाइट टाइम भी यूज़ की थी, मेरी नाइट टाइम यू नो स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करके डे टाइम में मैं इसे यूज़ नहीं करती थी। बट यू गाइस बिलीव मी ऑन दैट, ये मेरे स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है इस प्रोडक्ट ने। मेरी स्किन में जो यू नो जो भी प्रॉब्लम थी, वो रेडनेस का हो आप या फिर
ब्रेकआउट्स का हो, नहीं यू नो स्पॉट का हो, या फिर इवन दो मैं अगर कहूँ कि ड्राई पैचेस, उसके ऊपर भी इसने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया एंड मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लुकिंग एंड क्लीन बना दिया है। आज मैंने जो डेमो पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रही है। तो इसने मेरी स्किन के ऊपर तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी हर एक स्किन टाइप के, अगर आप हो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो, बट सिर्फ पैच टेस्ट कर लेना, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए। एंड इस प्रोडक्ट के लिए तो मैं स्पेसिफिक कहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये केमिकल बेस्ड एक एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट है, एंड जो भी एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट होती है ना, उसमें परसेंटेज जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो हमारी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं, या फिर अगर हम बिगिनर हैं तो इस परसेंटेज से हम एक्टिव्स को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, वो जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें काफ़ी कम क्वांटिटी में नाइसिनामाइड है, 10% है, जो कि आप किसी भी स्किन टाइप के हो या फिर बिगिनर हो इजीली यूज़ कर सकते हो। सो मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है एंड बहुत ही जल्द ही वर्क भी करती है, मतलब असर भी दिखाना स्टार्ट करती है, जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट या फिर हेयर केयर प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि वो लॉन्ग रन में जो है रिज़ल्ट दिखाती है, जल्दी नहीं रिज़ल्ट दिखाती है। बहुत ही कम प्रोडक्ट्स होती है जो बहुत ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट दिखाती है, ये उनमें से एक है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई आउट करके देख सकते हो। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी जरूर हिट कर देना, ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। इस प्रोडक्ट की परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेकआउट ज़रूर कर लेना। एंड मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ही अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय।